दोस्तों बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, यस बैंक के लेकर अभी के टाइम बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। कंपनी फिर से दोस्तों फंड जुटाने को लेकर यहाँ पे बोर्ड मीटिंग करने वाली है। दोस्तों 25 जो यहाँ पे आपका जून है, 25 जून को यहाँ पे हमें बोर्ड मीटिंग देखने को मिलेगी। तो बोर्ड मीटिंग में दोस्तों बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। एंड इस अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या यहाँ से दोस्तों 30 की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा या दोस्तों 20 की तरफ जाएगा। करंट टाइम पे ऐसे सिचुएशन है कि यहाँ पे कई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भाई 25 एंड बाउंड भी कहें कि बिल्कुल आसपास यहाँ पे खरीद रखा है, तो यहाँ पे कितना वेट करना पड़ेगा। एंड दोस्तों जो प्रकाश गाबा है, जो मार्केट एनालिटिक्स है, उनकी तरफ से भी यहाँ पे बड़ा बयान देखने को मिला था कि भाई स्टॉक यहाँ पे आने वाले 4-5 साल में 100 रुपए का लेवल ब्रेक कर सकता है। चार्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये अपडेट यहाँ पे दिया था। तो सारी चीज वीडियो में एनालिसिस करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को दबाना ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। देखिए आज मार्केट में गिरावट थी, ऑलराउंड 65 पॉइंट मार्केट में हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। उस हिसाब से स्टॉक में भी हमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मतलब वॉलिटिलिटी वो देखने को मिली। बट इसी वॉलिटिलिटी के बीच अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ने एक बड़ा संकेत दिया। देखो अभी के टाइम चल रहा है कंसोलिडेट, इन कंसोलिडेट के बीच अगर देखोगे तो 11 करोड़ 11.5 करोड़ से ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप पिछले 5-7 दिन का आंकड़ा उठा के देखोगे तो एवरेजल वॉल्यूम दोस्तों 15 करोड़ 10 करोड़ के बीच हमें नजर आ रही है। मतलब कोई भी बड़ा बायर अभी के टाइम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, बड़ी एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी कब आती है, जब कुछ अपडेट कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं। आपके सामने दोस्तों एक तो बजट आ रहा है 25 जून को, यहाँ पे आपको पहले बोर्ड मीटिंग दिखेगी, तो इससे हमारी शायद यहाँ से मार्केट में थोड़ा आपको इस बैंक में जो पॉजिटिव माहौल है वो देखने को मिल सकता है। करंट टाइम पे दोस्तों 45 पर 30 दिन की डिलीवरी जो कि अच्छा संकेत है कि भाई यहाँ पे कंटिन्यू माल खरीदा जा रहा है। एंड यस बैंक में अगर डिलीवरी आ रही है तो इसका मतलब है कि दोस्तों आने वाले 3-4 महीने में इसको आराम से यहाँ पे 40 का लेवल भी ब्रेक कर सकता है, 40 रुपए तक के यहाँ पे आंकड़े दिखा सकता है। क्योंकि मार्केट में जिस स्टॉक रिलेटेड डिलीवरी बढ़ती है दोस्तों वहाँ पर सीधा सीधा संकेत यही है कि उनमें बड़े प्लेयर यहाँ पे बाई कर रहे होते हैं, तो डिलीवरी अच्छी है तो यहाँ पे ये कि भाई आगे बढ़ेगा। मेन पॉइंट दोस्तों 3.5 लाख शेयर के टाइम एमओ में हमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी के साथ देखने को मिल रहे हैं। एंड करंट टाइम पे जो पीईओ 58 का नजर आ रहा है, जब रिजल्ट आया था ये पी दोस्तों 70 के आसपास था, रिजल्ट के बाद हमने करेक्शन भी देखा एंड जो पी यहाँ पे 70 का था वो अभी के टाइम 58 पे मिल रहा है। तो एक अच्छा अभी के टाइम यस बैंक में दोस्तों बाइंग रह सकती है, क्योंकि देखो ज्यादातर लोग अभी के टाइम यस बैंक में यही सोच रहे हैं कि भाई ये गिरेगा ये उठेगा नहीं। एंड मार्केट का एक रूल है, यहाँ पे कम्युनिटी जिस तरफ जाती है ना मार्केट उस तरफ नहीं जाता है, क्योंकि पैसा दोस्तों अपोजिट साइड में ही बनेगा। अभी के टाइम अगर आप सोच रहे हो कि यस बैंक गिरेगा, यस बैंक 20 के नीचे आएगा, तो यस बैंक उल्टा जाएगा। आप नहीं ये सभी सोच रहे हो एंड ये आप सोच नहीं रहे हो, आपको मजबूर किया जाता है मार्केट में। दोस्तों जो स्क्रीन चल रही है ना वो आपके सामने है, उसके अलावा आप मार्केट में कुछ भी नहीं देख सकते। स्टॉक का प्राइस का मोमेंटम आप देख सकते हो, इसके आगे आपके हाथ में कुछ नहीं है। एंड जो ओपन करता है वो सारी चीजें समझता है, क्योंकि उसको पता है कि देखो 90% लोग अगर ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से 50% स्टॉक गिरेगा, तो वो ओपन ये ओपन उसको 50% नहीं गिराएगा, वो गिराएगा बट उसको लॉन्ग को 20% ही गिराएगा। उसके बाद 20% के बाद उसको ऐसा उठाएगा यहाँ से कि भाई वो जो लोग सोच रहे थे ना, जो बाई करने की सोच रहे थे, वो उनके भी हाथ नहीं आएगा। ये चीज मार्केट में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो यस बैंक का यही सीन है भाई, यस बैंक में अभी के टाइम में एक अच्छी खासी जो क्वान्टिटी वो खरीदी जाए, लेकिन अपडेट पर फोकस करिए। लेकिन दोस्तों ये अपडेट मेन है, 25 जून को दोस्तों बोर्ड मीटिंग होगी है, बोर्ड मीटिंग में बड़ा ऐलान हो सकता है। यस बैंक की दोस्तों एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि 25 जून को यहाँ पे फंड जुटाने को लेकर वो विचार करेंगे। एंड देखिए यस बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि 25 जून को फंड जुटाने पर विचार होगा। फाइलिंग में बैंक ने कहा कि यस बैंक लिमिटेड बोर्ड मीटिंग की बैठक मंगलवार 25 जून को 2024 को मुंबई में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ फंड जुटाने को लेकर विचार किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि डेट सिक्योरिटी इश्यूज द्वारा भारतीय विदेशी मुद्रा में फंड जुटाना, जिसमें नॉन कन्वर्टेबल एंड डिबेंचर बॉन्ड्स मीडियम टर्म नोट आदि शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होगा। इसके अलावा भी कंपनी दोस्तों यहाँ पे अन्य सोर्स से भी फंड जुटा सकती है। एंड यहाँ पे देखो फंड जुटाएगी हो जा रहा, आखिर देखिए आपको पता है कंपनी के ऊपर कर्जा है, तो कंपनी लगातार दोस्तों कर्जे को थोड़ा कम करेगी, कर्जा एंड कंपनी की कुछ फाइनेंशियली जो यहाँ पे जरूरत है वो भी पूरा करेगी। तो कई सारी चीजें हैं, फंड जुटाना कोई गलत बात नहीं। कंपनी अगर फंड जुटा रही है इसका मतलब ये कंपनी अपने ऊपर ध्यान दे रही है, अपने फंडामेंटल को सुधारना चाहती है। तो ये एक्शन है वही यहाँ पे आगे बढ़ने का, यहाँ पे जो चीजें हैं वो हमें क्लियर करता है कि कौन अगर कंपनी अपने ऊपर फोकस करेगी तभी आगे बढ़ेगी। अब कहीं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए भाई फंड तो चाहिए होता है, फंड के बिना तो चलेगा नहीं। यहाँ पे वही फंड कंपनी आगे इकट्ठा कर सकती है, फंड जुटा सकती है। देखिए करंट टाइम पे अगर देखा जाए बैंकिंग सेगमेंट में आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, अच्छे अच्छे स्टॉक यहाँ पे गिरते हुए नजर आई। इसी के साथ यस बैंक में भी दोस्तों हल्की सी गिरावट रही, अराउंड 12 फीसदी स्टॉक में गिरता हुआ नजर आया।
एंड इसी साथ अदर स्टॉक को भी देखो कि ज्यादातर स्टॉक हमें करेक्शन में देखी, क्योंकि भाई मार्केट में गिरावट थी। बात करें यस बैंक के डाटा की, यस बैंक में आगे क्या हो सकता है, तो देखो अभी के टाइम चार्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखेंगे एक रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा है, एंड तकरीबन का RSI या RSI कोई ओवरबोल्ड नहीं, सही सिचुएशन में RSI ट्रेड कर रहा है। एंड हम एक्चुअली देखेंगे भाई जब इस रेंज में फंसा तो वॉल्यूम भी आप देख लो, पहले कुछ हद तक वॉल्यूम स्टॉक की इंक्रीज थी, एंड जब भागा तो वॉल्यूम में दोस्तों बड़ा उछाल था। जैसा कि आप देखो कि यहाँ से जब तेजी आई तो वॉल्यूम इंक्रीज थी, अभी के टाइम वॉल्यूम थोड़ी सी कम नजर आ रही है। तो वॉल्यूम का भी खेल है भाई मार्केट में, ज्यादातर अगर देखोगे वॉल्यूम ही कमाल करते हैं। एक चीज बता दूं मैं कि यहाँ से देखो गिरावट हुई तेजी, फिर से गिरावट हुई, करंट टाइम पे देखोगे तो स्टॉक यहाँ से इस प्रकार उछलता हुआ नजर आ सकता है। मतलब यहाँ पे मैं आसानी से दोस्तों की बजट के आसपास 25 का लेवल ब्रेक कर सकता है, एंड अगर बोर्ड मीटिंग में कुछ अच्छा निकलता है तो फिर तो वो बात अलग ही है, एंड देखते हैं बोर्ड मीटिंग में कंपनी कैसा एक्शन लेती है। तो 25 जून अराउंड दोस्तों मंगलवार को ये बोर्ड मीटिंग होगी, तो वेट करिए ठीक है। लॉन्ग टर्म वालों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा ही करेगी, इस प्रकार फंडामेंटल में कंपनी की सुधार आ रहा है ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू अपडेट्स।